उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग और IRCTC के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत मानस खंड स्थित विभिन्न मंदिरों के भ्रमण के लिए पहली ट्रेन अप्रैल 2024 में संचालित की जाएगी, जो कि कोलकाता से शुरू होकर मानस खंड के लिए चलेगी। वहीं मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि भारत के सुदूर इलाकों से सैलानियों को उत्तराखंड के दर्शनीय स्थलों तक पहुंचने में ये काफी सराहनीय प्रयास होगा और इस ट्रेन के संचालन से राज्य के पर्यटन विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC के बीच मानस खंड मंदिरों तथा अन्य स्थलों के प्रचार प्रसार हेतु स्पेशल ट्रेन टूरिस्ट ट्रेन मानस एक्सप्रेस संचालित किए जाने पर आज एक MOU साइन हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन से, जो मानस खंड एक्सप्रेस कहलाएगी, इससे यात्री हमारे मानस खंड के अंदर यात्रा कर सकेंगे। मानस खंड स्थित विभिन्न मंदिरों में भ्रमण हेतु पहली ट्रेन अप्रैल 2024 में कोलकाता से चलाई जाएगी। उसके बाद अन्य शहरों के लिए भी तैयारी की जा रही है।